हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो, तो पिछले क्वेश्चन सारे देख चुके होगा आई थिंक। तो स्टार्ट करते हैं 4। फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ ए नंबर इज 3 मोर देन 7। तो इस तरह से पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को फॉर्म करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो बोले फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर। देखो नंबर कहाँ लिखा है, तो 1/4 ऑफ द नंबर कितना होगा, तो नंबर हम मान लेते हैं एक्स से, लेट द नंबर एक्स, मान के चलो नंबर क्या है एक्स है, वो बोल रहा है 1/4 ऑफ द नंबर, और जो नंबर है 1/4 ऑफ ए नंबर, तो कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ ए नंबर। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट लिखने की उतना जरूरत नहीं है, तो लेट हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं आप समझ चुके हो कैसे लिखना है। तो आपको पता है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1/4 ऑफ ए नंबर कितना हो जाएगा 1/4 × x। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना 1/4 x, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, x/4 लिखो, एक ही बात है। तो 1/4 ऑफ ए नंबर इज 3 मोर देन 7, इस चीज़ को समझो। यहाँ बोल रहा है सवाल 1/4 ऑफ जो नंबर जो है वो 3 मोर देन 7, मतलब 3 अधिक है, इज मतलब क्या इक्वल टू, तो x/4 जो है बोल रहा है कि 1/4 नंबर जो है वो क्या है, इज मतलब इक्वल टू है क्या 3 मोर देन 7 मतलब 10 बोल रहा है, दैट मीन्स x/4 = 10। यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकलेगा, 40 निकलेगा, हो गया आंसर। x का वैल्यू कितना निकलेगा 40, क्योंकि 4 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो x का वैल्यू होगा 40, बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये रहा हमारा आंसर x = 40। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। राजू फादर इज 5 ईयर्स मोर देन द 3 टाइम्स राजू एज। तो यहाँ पर ध्यान से इस चीज़ को पढ़ो, राजू के जो पापा हैं, राजू के फादर जो हैं, इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजू एज, मतलब राजू का जो एज जो भी है, राजू का जो एज है उसका पहले 3 टाइम्स करो, फिर वो बोल रहा है कि और उसमें फिर 5 साल और अधिक उसमें ऐड करो, तब निकलेगा राजू का फादर का एज। कहने का तो समझ रहे हो ना कि राजू के फादर के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, बट वो कंपेयर कर रहा है किसके साथ, राजू के एज के साथ कंपेयर कर रहा है। तो कंपेयरिंग हो रहा है राजू के एज के साथ, तो हम राजू का एज को क्या ले जाएंगे, एक्स ले जाएंगे। तो लेट द राजू एज इक्वल टू एक्स, राजू का एज को एक्स मान लो, फिर क्या उसके एज के साथ बहुत कुछ किया गया है, राजू का जो एज है ना मैंने उसको एक्स माना है, अब उसके साथ राजू का जो एज है उसके साथ बहुत कुछ किया गया, क्या किया गया है, पहले तो उसमें उसका 3 टाइम्स लिया गया है, तो 3 टाइम्स करो पहले इसका, 3 टाइम्स राजू एज। मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट सुन लो, क्योंकि मैं पूरा लिखूंगा लेट हो जाएगा। 3 टाइम्स राजू एज कितना हो जाएगा बताओ, 3x हो जाएगा। हमने राजू का एज को एक्स माना है, फिर बोला 3 टाइम्स राजू एज, राजू का एज का 3 टाइम्स, तो 3x हो गया। फिर क्या बोला है, और क्या करना है राजू के एज के साथ, और क्या करना है, फिर उसमें क्या करना है, 5 ईयर्स और उसमें ऐड करना है। चलो 5 ईयर्स और ऐड कर लेते हैं, तो 3x, इसमें 5 ईयर्स और ऐड करो, हो गया, और उसमें 5 ईयर्स हमने ऐड किया। तो यहाँ बोल रहा है दैट इज इक्वल टू द राजू फादर है, वो अब ये जो है ना बच्चों 3x + 5 ये इक्वल होगा किसके साथ, राजू के फादर के एज के साथ इक्वल होगा, ठीक है, राजू के फादर के एज के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ पूछा है फाइन राजू एज इफ फादर इज 40। अब यहाँ पर सवाल दे दिया है कि राजू का एज निकालो अगर उसके फादर का एज कितना है 44 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो बच्चों इस चीज़ को समझो, 3x + 5 जो है ना बच्चों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है राजू के फादर के एज को, तो 3x + 5 राजू के फादर का एज, हम इसका वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू दे दिया है, तो 3x + 5 जो कि इक्वल है राजू के फादर का एज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ राजू का फादर का एज, राजू फादर, ओके। तो अब ये रहा आपका 3x + 5 = अब यहाँ पर राजू का फादर, यहाँ पर स्टेटमेंट ना लिख के मैं यहाँ पर 44 लिखूंगा, क्योंकि हमें यहाँ वैल्यू गिवन है, राजू के पापा का एज यहाँ पर वैल्यू गिवन है 44 ईयर्स। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो गया आपका 3x = 44 + 5, ये हो गया आपका 3x = कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा आई थिंक, हाँ 49 हो गया, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी यहाँ पर गलती कर दिया मैंने, सॉरी गलती हो गया, मैंने इक्वेशन गलती, मतलब इक्वेशन ठीक है, इक्वेशन में कुछ गलती नहीं है, मैं सॉल्विंग गलत किया, क्योंकि देखो कहाँ गलती हुआ बताओ, 44 ये +5 है ना बच्चों, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पर गलती था। तो कितना माइनस करो, 44 से माइनस करो 5, तो ये हो गया आपका कितना 39 होगा आई थिंक, ठीक है, हाँ 39 ही होगा, ओके। तो हमारे यहाँ पर एक्स का वैल्यू बच्चों कितना निकलेगा, तो मैं डाल लिखता हूँ यहाँ पर x = कितना हो जाएगा 39/3 जो कि होगा आपका 13 ही होगा। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा 13। इसका मतलब x हमने किसको लिया था, राजू का एज को लिया था, और हमें राजू का एज ही पूछ रहा है, तो x का वैल्यू 13, इसका मतलब राजू का एज भी कितना हो गया 13 ही होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके, राजू का एज कितना निकला 13। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। वट इज दैट नंबर 1/3 ऑफ विच एड टू 5 गिव्स 8। बहुत अच्छा सवाल है, देखो
व्हाट इज दैट नंबर, वो नंबर क्या है? तो मान लो नंबर हम एक्स मानते हैं, लेट द नंबर एक्स, नंबर को मान लो एक्स है, ओके। व्हाट इज दैट नंबर वन थर्ड ऑफ विच, जिसका वन थर्ड अगर किया जाए, उसका वन थर्ड ऑफ विच मतलब क्या, उसको वन थर्ड किया करते हैं, चलो वन थर्ड कर दिया हमने, तो कितना आएगा, वन बाय थ्री इंटू एक्स ऑफ विच, या व्हाट इज दैट नंबर वन थर्ड ऑफ विच एडेड टू फाइव, और इसमें फाइव ऐड करते हैं गिव्स कितना देगा हमें, एट देगा। तो ये रहा हमारा इक्वेशन, इसको अब चलो सॉल्व करो। तो वन बाय थ्री, वन बाय थ्री एक्स को बच्चों में एक्स बाय थ्री ऐसा भी लिख सकता हूँ, प्लस फाइव इक्वल टू एट हो गया, यहाँ पर एक्स बाय थ्री इक्वल टू एट माइनस फाइव, ओके। तो ये हो गया आपका एक्स बाय थ्री इक्वल टू एट माइनस फाइव, कितना होता है थ्री होता है, तो ठीक है, थ्री यहाँ पर डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री के साथ, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा नाइन, एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा नाइन, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ओके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन नेक्स्ट स्लाइड में है, ओके। ये रहा सवाल, इसको हम करते हैं, देखो सवाल है यहाँ पर, फाइंड नंबर, एक मिनट बच्चों मैं थोड़ा जगह बना लूँ, क्योंकि फिर जगह नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ओके। हाँ तो फाइंड ए नंबर हमें सवाल में गिवन है, फाइंड ए नंबर, हाँ फाइंड ए नंबर सच दैट ऑन एडिंग फोर टू एट टाइम्स ऑफ इट, एक नंबर निकालो, तो मान लेते हो नंबर एक्स है, लेट द नंबर एक्स, लेट द नंबर इक्वल टू एक्स, मान के चलो नंबर एक्स है, फाइंड ए नंबर सच दैट ऑन एडिंग फोर टू एट टाइम्स ऑफ इट, ऑफ इट या इट के बारे में मतलब यहाँ पर एडिंग, सॉरी हाँ एडिंग फोर टाइम, एडिंग फोर, एडिंग फोर टू एट टाइम्स ऑफ इट, ये जो इट लिखा है ना वो नंबर के बारे में बोल रहा है, ठीक है, एट टाइम्स ऑफ इट, तो पहले इसको एट टाइम्स करते हैं तो कितना हो जाएगा, वो नंबर हमारे एक्स है, उसका एट टाइम्स करूँगा तो कितना हो जाएगा, एट एक्स हो जाएगा। अब उसमें क्या करना है बच्चों, एडिंग फोर, इसमें और फोर ऐड करना है हमें, जो कि हमें मिलेगा 60, कितना, यू गेट 60, ठीक है। तो इक्वेशन बन गया हमारा, इसको सॉल्व करो, 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 4, तो 8x इक्वल टू हमारा यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया आपका 56 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकलेगा 56 डिवाइड बाई 8, दैट इज 7, x का वैल्यू कितना निकलेगा 7, ओके, जो कि होगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तब तक ट्रेन भी आने वाला है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ओके। और जो बच्चे अभी तक वीडियो अभी यहाँ तक देख चुके हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर समझ में आ रहा है सवाल। अब यहाँ कुछ बच्चों से इतना आप फास्ट कर रहे हो क्यों, क्योंकि फास्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया है। जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ तो बहुत स्लो पढ़ाता हूँ और बहुत लेंदी होता है, बहुत डिटेल होता है वो चैप्टर्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाना होता है ना, तो बहुत मेरा वीडियो बहुत लंबा होता है, बट जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं हाथ, मेरा जो हाथ है बहुत स्पीड में चलेगा, ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फाइंड ए नंबर सच दैट वन फिफ्थ ऑफ इट्स माइनस फोर गिव्स थ्री, सिंपल से बात है, देखो नंबर एक्स मान लो, ठीक है, मैं तो कुछ लिखने वाला है, हमने एक मिनट बच्चों जाने दो ट्रेन को, क्या करें, ट्रेन जाता है तो बहुत गुस्सा आता है, और मैं क्या बताऊँ कितना गुस्सा आता है, क्या करें, हम तो कुछ कर नहीं सकते इंडियन रेलवे का। फाइंड ए नंबर सच दैट वन फिफ्थ ऑफ इट माइनस फोर गिव्स थ्री, चलो हमें सवाल यहाँ बोला है कि ए फाइंड नंबर, नंबर निकालो सच दैट वन फिफ्थ ऑफ इट, वो नंबर का वन फिफ्थ, सिंपल से देखो वो नंबर एक्स मान लो, ठीक है, नंबर को हम एक्स मान लेते हैं, नंबर हमने मान लिया एक्स, ओके। फिर बोल रहे क्या यहाँ पर, वन फिफ्थ ऑफ इट, इट का मतलब नंबर के बारे में बोल रहे हैं, वन फिफ्थ ऑफ इट मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, वन बाई फाइव इंटू एक्स करो तो कितना हो जाएगा, एक्स बाई फाइव, यहाँ तक हो गया, अच्छा। फिर बोल रहा है वन फिफ्थ माइनस करो फोर की, वो तीन देगा, इसमें से माइनस करते हैं फोर, तो हमारा एक्स बाई फाइव निकला था, इसमें हम माइनस करते हैं फोर, तो हमें देगा थ्री, हो गया इक्वेशन, ये रहा हमारा इक्वेशन, ओके। इसको सॉल्व करो, एक्स बाय फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा थ्री प्लस फोर, एक्स बाय फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा सेवन हो गया, तो एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा सेवन इंटू फाइव, तो एक्स का यहाँ पर वैल्यू हो गया 35, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 35, जो कि होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। अब हम बढ़ते हैं आखिरी सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, देखो ये तो इक्वेशन ही है, इसको सॉल्व करना है, बहुत ईजी होगा, देखो कुछ करना है नहीं, तो पहले इक्वेशन को लिखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिखा 12p माइनस 5 इक्वल टू 25, तो ये हो गया आपका 12p इक्वल टू 25 है ना, इधर आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, तो 12p इक्वल टू ये हो गया आपका 30, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा। अब इसको लोएस्ट टर्म करो, ये हुआ 15 से गया, फिर 2 से ये हुआ 6, फिर और कटेगा 3,
तीन से ये हो गया आपका, नहीं तीन से नहीं, ये तो सो हाँ फाइव के टेबल, थ्री के टेबल में काटेंगे तो फाइव टाइम्स होगा, ये टू टाइम्स, तो पी का जो वैल्यू निकलेगा 30/12, यहाँ पर आंसर गिवन है, मार्क कर दो, 5/2 तो निकलेगा, बट यहाँ पर 30/12 ही गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए, मैं ऑप्शन देखा नहीं इधर, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऑप्शन अब ध्यान में रखना, ठीक है? चलो, ऐसा नहीं कि लोस्ट टाइम ही करना है, ऑप्शन जो मैच हो जाए हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर खत्म, चलो और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा ये रहा सवाल हमारा, इसको 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा नीचे कर दिया जाए ताकि हमें जगह मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन क्या है देखो, 4 ब्रैकेट के अंदर m+3 है, ओके इक्वल टू कितना 18 है। तो चलो m का वैल्यू हमें पूछा है, चलो कैसे करते हैं देखो, m+3 इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। 4 देखो, 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, दोनों के साथ, m के साथ भी हुआ है 3 के साथ भी हुआ, इसलिए ब्रैकेट के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर m+3 को वैसे ही रखा जाए, उसको छेड़छाड़ ना किया जाए, सिर्फ 4 को ही उठा के इधर ले आया जाए, तो कितना होगा, 18/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो m+3 = कितना हो जाएगा, इसको आप इसको तो ये तो कटेगा नहीं, इसको लोस्ट टर्म करोगे तो कितना, 9, ये 2 से 2 9/2, ठीक है? तो m = कितना हो जाएगा, 9/2 -3, क्योंकि +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, m = तो यहाँ पर एलसीएम ले लो बच्चों, 2 हो गया एलसीएम, तो ये हो गया आपका 9 - ये 6, तो m का वैल्यू निकलेगा कितना, 3/2, ठीक है? 3/2, 3/2 तो यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, बट ये देखो 3/2 में से मतलब समझने के आंसर यहाँ पर नॉन ऑब्वियस होगा, बहुत बच्चे यहाँ पर डी मार के आ जाएंगे, बट आंसर यहाँ पर देखो होगा, क्योंकि देखो 3/2 देखो यहाँ पर क्या है, 6/4 है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 6/4 को आप सॉल्व करो ना, इसको लोएस्ट टर्म करो, तो 3 हो गया, 2 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो आया कि नहीं 3/2, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे डी मार के चले जाएंगे, बट ये आंसर यहाँ पर देखो है, ऑप्शन है 6/4 इज द आंसर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको लोएस्ट टर्म में लिखा है यहाँ पर 3/4, बट यहाँ पर देखो उसको उसको बढ़ा के लिखा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 6/4 इज इक्वल फ्रैक्शन ऑफ 3/2, 3/2 जो है 6/4 क्या है, वही है, ओके? तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, नीचे कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी सवाल था वो, ठीक है? ऐसे मत देखो कि सर ने क्या बता दिया। 11 पे आते हैं बस, और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सोल्यूशन ऑफ, चलो ये थोड़ा लंबा इक्वेशन है, 34 माइनस यहाँ पर ब्रैकेट ये 5 है, यहाँ ब्रैकेट में p-1 इक्वल टू यहाँ पर 4 है, ओके? एक मिनट बच्चों, मैं देखता हूँ कि मेरा कोई कॉल वॉल तो नहीं आ रहा है ना, क्योंकि साइलेंट रखता हूँ फ़ोन, ठीक है? तो देखना पड़ता है, बीच में कहीं कॉल आ गया तो मुझे फिर उठाना पड़ेगा ना, तो कॉल नहीं आया, इसी बीच में मोबाइल देखते रहता हूँ। चलो सवाल पे आते हैं, 34 - 5 ब्रैकेट में p-1 = 4 है, तो 34 को वैसे ही रखो, ठीक है? इम्प्लेशन दे दो आगे यहाँ पर माइनस, अब इसको चलो माइनस करो, तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा पी के साथ भी और 1 के साथ भी, तो ये बच्चों हो जाएगा -5p, ये होगा आपका +5 हो जाएगा इक्वल टू 4, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको, -5 मल्टीप्लाई हो रहा है पी के साथ, मैंने आपको समझाया था पहले, साइन मल्टीप्लाई देन कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई देन वेरिएबल मल्टीप्लाई, तो साइन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर कॉन्स्टेंट और वेरिएबल तो अलग अलग है, तो 5 यहाँ लिखो 5 मल्टीप्लाई करो तो 5p हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 5 * 1 = 5, इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, आई थिंक आप स्मार्ट हो, क्लास 8 होने वाला है, सब स्मार्ट हो गए हैं। क्या लिख दिया मैंने, चलो 34 को उधर ले जाते हैं, चलो इन दोनों को प्लस कर दो पहले, जो नंबर सबको दिख रहे हैं ना LHS में, नंबर क्या दिख रहा है आपको, 34 यहाँ पर है, यहाँ पर +5 है, कितना हो जाएगा, -5p पहले लिख दो, -5p पहले लिख दो, और यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहा है ना 34 यहाँ पर +5, इसको प्लस कर दो, 34 + 5 कितना 39 हो गया, तो +39 इक्वल टू कितना हो गया 4, ठीक है? अच्छा अब माइनस आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, -5p = या 4 तो है इधर आओगे तो ये -39 हो जाएगा, तो -5p = उसको सॉल्व करो, 9 से 4 के कितना हो गया 35, तो -35 होगा, अभी देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा साइन, तो हमें यहाँ पर 5p = कितना मिला बच्चों 35, तो यहाँ p का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/5 दैट इज p = 7, ठीक है? p का वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया, ओके पी के वैल्यू ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 12, और जिसको भी फास्ट लग रहा है कि हाँ सर फास्ट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट कर बताओ, नेक्स्ट वीडियो स्लो में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है यहाँ पर, 9 added to thrice a नंबर, देखो कहाँ जहाँ नंबर लिखा है वहाँ से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, थ्राइस ए नंबर है, होल नंबर गिव्स 45, ठीक है? अच्छा 9 added to thrice a नंबर, थ्राइस ए नंबर देखो, तो नंबर को एक्स मान लो, थ्राइस ए नंबर मतलब कितना हो जाएगा, देखो नंबर को मैंने माना है x, ओके थ्राइस ए नंबर कितना हो गया 3x हो गया, फिर बोले 9 ऐड करो इसमें, चलो 9 ऐड करते हैं 3x + 9,
होल नंबर गिव्स कितना, ये जो होल यहाँ पे एक होल नंबर है जो गिव्स करेगा 45, तो कन्फ्यूज मत रहना, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर लिखा है आपका दिमाग घुमाने के लिए, इक्वेशन यही होगा। इसको सॉल्व कर दो, 3x इक्वल टू कितना हो गया 45 माइनस 9, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 36 होगा आई थिंक, हाँ 36 होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया x इक्वल टू 12, 12 इंटू 3 36 होता है, तो 12 ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं इसको, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ओके। देखते हैं क्वेश्चन 13 है भी कि नहीं, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा, पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलो बाय।